मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, कृषि विभाग दिल्ली सरकार में कार्यरत हूँ और हम यहाँ पे ब्रजनाथपुर गांव में जिला हापुड़ जो क्षेत्र में पड़ता है यहाँ पे एक मधुमक्खी एपेरी में आज एक मधुमक्खी के प्रजनन पर कार्य करने जा रहे हैं। देखिए मधुमक्खी तीन तरह की होती हैं, एक इसमें श्रमिक है, नर है और रानी है। श्रमिक मधुमक्खी सारी मादाएँ होती हैं लेकिन वो अंडा नहीं देती, उसके बाद नर होते हैं और उसके बाद रानी होती है। आज हम रानी को किस तरीके से विभाजन करना है, हम अधिक से अधिक अपने एपियरी से कैसे रानी बना सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि रानी अपने एक रानी का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, रानी अच्छी तरह की रानी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी किस्म की रानी होगी तो वो अधिक अंडे देगी। एक दिन में रानी 2000 से 2500 अंडे देती है और हेल्दी रानी बनाने के लिए बहुत सारी हमारे पास विधियाँ हैं जिस पर हम अभी प्रकाश डालेंगे। पहली विधि है सामान्य विधि। अभी हम मधुमक्खी की कॉलोनियों में प्रवेश कर गए हैं और रानी बनाने की सामान्य विधि पर हम पूरी विधि हम बताएंगे। सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि पहले अपने को कोई मधुमक्खी ना काटे, उसके लिए ये मूरक्षक जाली है। इस मूरक्षक जाली को हम पूरा पहन लेंगे और पहनने के बाद जो है उसके बाद जो है ये हमारे दस्ताने हैं, ये दस्ताने को हम लगा लेंगे। देखिए अब नई रानी बनाने के लिए हमें छत्तों का चुनाव करना होता है। अब सर्वप्रथम जो है हमने देखिए ये एक लिया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इसका यहाँ पे मधुमक्खियों का आने जाने का ये छिद्र है। और ये देखिए ये तीन फ्रेम के भी हो सकते हैं, तीन के चार के दो तरीके के होते हैं, हम तीन फ्रेम का भी ले सकते हैं, चार फ्रेम का भी हम इसमें ले सकते हैं। ये तीन फ्रेम का है। तो अब इस न्यूक्लियस में हमें क्या करना है, इस न्यूक्लियस में हमें तीन तरह के छत्ते रखने हैं। अब वो उस छत्ते के चुनाव में हमें बहुत अच्छा ध्यान रखना है कि भाई सर्वप्रथम हमें लेना है ताज़े अंडे का छत्ता। तो मैं ये ताज़े अंडे का छत्ता निकाल रहा हूँ, ये देखिए इसके अंदर जो है ये ताज़ा अंडा है, पूरे के अंदर ताज़ा अंडा, सफ़ेद सफ़ेद इसके अंदर पूरा ताज़ा अंडा भरा हुआ है। उसके बाद जो है आप ये देखिए और इसको हमें बीचम बीच न्यूक्लियस के अंदर रख दिया। अब दूसरा छत्ता हमें लेना है ब्रूड का। ब्रूड माने जो प्यूपा स्टेज है उसको हम ब्रूड कहते हैं। ये देखिए ये ब्रूड है, दोनों तरफ इसमें ब्रूड भरा हुआ है। ये इसके बाद लगा दिया। और तीसरा छत्ता हमने लेना है शहद से भरा हुआ, ये देखिए इसके अंदर शहद है, ये झलक आ रही है शहद की, ये हमने लगा दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बराबर में हम ये इसी साइज का दूसरा एक स्टैंड लगा दिया और इस स्टैंड पे हमने अब ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल बक्से से सटा के हमने रख दिया है और इस बक्से को अब हम ढक देते हैं और इसके ऊपर इसका टॉप कवर हमने ढक दिया है। और इसके बाद जो ये न्यूक्लियस बॉक्स है, इस न्यूक्लियस बॉक्स पे भी हमने ये हरे रंग का ग्रीन नेट हमने रख दिया, ढक दिया है। और इसके बाद इसके ऊपर भी हमने ये टॉप कवर ढक दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनको ऐसे जैसे रखें ऐसे नहीं छोड़ना। इसमें क्या करना है कि जिस जो मधुमक्खी का हमारा जिस बक्से से हमने फ्रेम निकाले हैं उनका जो बीच का केंद्र है उस केंद्र को हमें जो है डिस्टर्ब करना है, केंद्र को हटाना है और इस तरीके से बक्से को करना है कि देखिए क्या करना है। इसको हमने हटाया, इसको लगभग 6 इंच हमने हटा दिया और फिर दूसरे बक्से जो न्यूक्लियस बॉक्स है इसको फिर 6 इंच करके जो ये मधुमक्खी का जो आने जाने का बॉक्स का रास्ता है ये हमारा दोनों बक्सों के बीच में हट जाए, डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि जो मधुमक्खी जंगल में जा रही है उसको पहचान होती है अपने जाने के अपने घर के रास्ते की, तो वो रास्ता उसका जो है वो भटक जाती है, वो रास्ता जब दिखाई नहीं देता तो वो बीच में आके मधुमक्खी का जो आने जाने का वो केंद्र अब ये यहाँ आ गया, तो जब यहाँ आके टकराएगी तो मधुमक्खी उसमें कुछ मधुमक्खी इसमें जाएंगी और किस इसमें जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है फिर हम 24 से या 48 घंटे में
हम इनको जो है इनका एक एक फुट का फासला बढ़ा देते हैं। इसको हमने ऐसे रख दिया, उसको थोड़ा इसको खिसका दिया, इस तरीके से जो है ये हमने इनको फासला कर दिया। अगले दिन इसको फिर हम एक एक फिट बढ़ा सकते हैं, एक एक फिट करके हम इनका फासला 3 से 4 फिट हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें जो है जो मधुमक्खियां हैं वो हमारी पूरी मधुमक्खियां इसके अंदर जो निकाली थी वो पूरी सारी की सारी इसके अंदर है। लेकिन यदि हम इस तरीके से इनको नहीं करते, अगर ऐसे ही हम बराबर में रख देते हैं, तो इससे जो मधुमक्खियां हैं जो इससे बाहर निकलेंगी वो हमारे बक्से के अंदर वापसी चली जाएंगी। तो जिसका हमने डिवीजन निकालना है, जिससे हमें रानी बनानी है, उसके अंदर मधुमक्खियाँ नहीं रहेंगी, तो हमारा वो बक्सा जो है उसमें हम रानी नहीं बना पाएंगे। तो ये एक विधि तो ये हुई। इससे भी और अच्छी विधि एक ये है कि जैसे हमने अभी बताया था आपको कि जो तीन तरह के हमने जो छत्ते निकाले, लार्वे, ताज़ा अंडे का, ब्रूड का और शहद का, इस तरह के छत्ते जो निकाले, इस न्यूक्लियस में निकाले हैं, हम इसका मुँह बंद करें और यहाँ से इस कॉलोनी से 3 किलोमीटर दूर इसको ले जाके रख दें, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें तो फिर भी हमारी 20% मधुमक्खियाँ उधर चली जाती हैं, लेकिन उसमें जितनी मधुमक्खियाँ हमने निकाली थी उतनी ही मधुमक्खियाँ बनी रहेंगी। और उसको जो है वहाँ पे ले जाके रख दें और 2 दिन बाद हम दोबारा से फिर उनको उठा के अपनी एपियरी में ले आए। तो इस तरीके से जो है ये विधि रही। अब उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे ताज़ा अंडे पड़े हैं उनमें से मधुमक्खियाँ कुछ जो हेल्दी अंडे हैं उनका चयन करेंगी। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछों में वो 5-5, 6-6 भी पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से हमें रानी बनाने के लिए केवल एक ही का चयन करना है। तो उसमें जो हेल्दी क्वीन रानी का जो कोष हेल्दी होगा उसी कोष को हम चयनित करेंगे और वो कोष उसमें रॉयल जेली जो इसके श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो रॉयल जेली उसको ज़्यादा खिलाएंगी और उससे लार्वे का साइज बढ़ जाएगा और वो 8 दिन में जो क्वीन कोष है वो उसका मुंह बंद हो जाएगा। तो क्वीन कोष का मुंह बंद होने के बाद फिर 16 दिन में उससे हमें रानी मिल जाएगी। और रानी मिलने के बाद जो है फिर क्या करती है रानी कि रानी अपने बक्से से बाहर थोड़ा थोड़ा आना जाना शुरू करती है, थोड़ा बाहर निकलेगी फिर आएगी, पहचान बनाती है, क्योंकि उसको जो है 22 दिन के बाद वो गर्भित होने जाती है नरों के साथ। तो इससे पहले हमें ये भी देखना होता है कि हमारे पास पर्याप्त नर हैं या नहीं है, तो वो नर जो है वो भी हमारे पर्याप्त रहने चाहिए। तो 22 दिन बाद जो है हमारी मधुमक्खी बक्से से निकलेगी और लगभग जो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अधिकतम 5 किलोमीटर तक वो अपने शरीर से एक फेरामोन, एक गंध, विशेष प्रकार की गंध जो है वो वहाँ छोड़ के चली आएगी। उसे छोड़ने के बाद जो है फिर क्या होगा कि अगले दिन उस गंध की तलाश में नर घूमते हैं, तो वो नर वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ उसी समय पे वो रानी भी जाएगी और नरों की जो संख्या है वो 50 से लेके वो 200 तक हो सकती है। तो वो नर जो है वो उसका जो है रानी का पीछा करते हैं। रानी हवा में फ्लाइंग करती है, हवा में दौड़ती है और इतना दौड़ती है कि उसके साथ जो भी शक्तिशाली नर हैं वही उसको गर्भित कर पाते हैं। और उसके बाद वो नर जो है गर्भित करने के बाद वो नर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके जो जननांग हैं वो उसके जो ये भोजन आहार नाल है उससे जुड़े हुए होते हैं, तो वो टूट जाते हैं, उसका आहार नाल टूट जाता है और वो उसकी नर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब वो रानी गर्भित होकर आ जाती है तो वो अपने बक्से के अंदर आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत सारे इस तरह के जो न्यूक्लियस बॉक्स हमने लगाए हुए हैं तो उसमें जो रानी बाहर से आई है वो अपने ही बक्से में जाए, उसके लिए हम कुछ कलर्ड पेपर भी लगाते हैं क्योंकि ये कलर को बहुत पहचानती है। तो एक न्यूक्लियस के अंदर हमने लाल रंग का कलर लगा दिया, दूसरे न्यूक्लियस के अंदर हमने जो है हरे रंग का लगा दिया, तीसरे के हमने नीले रंग का लगा दिया, अलग अलग कलर के लगा दे ताकि वो पहचान ले कि मेरे बक्से के आगे कौन सा कलर है। तो वो उसके बाद जो है रानी अपने बक्से के अंदर आ जाती है, अपने न्यूक्लियस बक्से के अंदर आ जाती है और वो 27 दिन अपना पैदा होने से 27 दिन के अंदर जो है वो अपना अंडा देना शुरू कर देती है और एक दिन में 2000 से 2500 अंडे प्रतिदिन देती है। जब अच्छा मौसम होता है, अच्छा फ्लोरा फूल है अगर जंगल में, तो उस समय 2000 से 2500 अंडे देती है। उसके बाद जो है इस बक्से को, अभी आपका एक नया न्यूक्लियस बॉक्स तैयार हो गया
और इस बक्से को फिर इसमें नए मोमी सीट लगा के हम नए फ्रेम लगा के एक नया बक्सा जो है हमारे पास तैयार हो जाता है। और ये रानी जो है 3 वर्ष तक इसकी आयु होती है, ये 3 वर्ष तक सतत इसी तरीके से अंडा देती रहती है। जब फूल का सोर्स नहीं मिलता तो ये अंडा देना कम कर देती है, लेकिन जब अच्छा फूल मिलता है तो उस समय पर ये भरपूर अंडा देती है और इसी से जो है अपना पूरा परिवार जो है मधुमक्खियों का फलता फूलता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रत्यारोपण, रानी के प्रत्यारोपण की विधि। इसके अंदर सर्वप्रथम हमको रानी के जो कप हैं वो बनाने हैं। रानी बनाने के लिए कप, तो इसको हम क्वीन कप कहते हैं। ये हम कप बना रहे हैं। हमने सर्वप्रथम मोम लिया है, मोम में हमने थोड़ा पानी डाला है और पानी डाल के इसको गर्म किया है। गर्म करने के बाद जो है हमने इसको डुबोया है। देखिए ये जो कप बनते हैं ये एपिस मेलिफेरा में, इनका जो साइज है वो 8.5 मिलीमीटर है और एपिस राना में ये 7.5 मिलीमीटर होता है। तो ये कप बन गए हैं, इनको हमने पानी में डुबोया। पानी में डुबोने के बाद जो है ये देखिए ये हमें जो है ये निकल गए, ये कप मिल गया। ये कप जो है ये कप बन गए। अब ये कप बनने के बाद जो है ये हमने जो है आगे क्या करना है, इन कपों को लेके हम मोम के द्वारा ये इस तरीके का जो है हमें ये फ्रेम है, जो मधुमक्खी में छत्ते के लिए जो छत्ताधार होता है जो फ्रेम होता है वही साइज हमको लेना होता है इसमें। और इसके अंदर जो है हमें ये जो मोम के बने हुए कप हैं इनको हमें इनको चिपकाना है, मोम से इसे डुबोना है और डुबोने के बाद जो है फिर इस पर लगाना है। अब ये क्वीन कप हम इसमें लगा रहे हैं, ये वैक्स में हमने डुबोया है और ये क्वीन कप हमने लगा दिया है। ये कप जो है देखिए ये कप जितना कप छोटा होगा अच्छा होगा, इसमें ये कप अच्छा नहीं है, इसको हम हटा रहे हैं। ये छोटा कप जो है सबसे अच्छा रहता है। ये देखिए ये कप हम लगा रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ अगर ये अगर आजकल जो है मोम का कप बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो अब बने बनाए भी ये कप आते हैं इस तरह के। ये कप प्लास्टिक फूड ग्रेड प्लास्टिक में बना हुआ कप है और इसके लिए भी हम जो है ये देखिए ये इस तरह के कप जो हैं हमने इसमें लगाए हुए हैं। ये इस तरह कप जो है इसमें लगा दें और ये कप लगाने के बाद जो है ये सारे कप लगाए हुए हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो है ये कप लगाने के बाद जो है ये तो क्योंकि मधुमक्खी का मोम के ही कप बना के लगाए हैं इस वाले में, तो हमने मोम और इसमें जो है ये हमारे प्लास्टिक कप हैं जो ये बने बनाए आते हैं, तो इन कपों में हमें ये इसके माध्यम से जो है एक ब्रश लेके और ब्रश के माध्यम से जो है इसके अंदर हमें ये मोम डालना है इसके अंदर ताकि मोम की खुशबू आ जाए इसके अंदर। और इसके बाद फिर क्या करना है, जब ये तैयार हो गया तो उसके बाद हम अपनी मधुमक्खी कॉलोनी में जो सबसे अच्छी मधुमक्खी है जिसका क्वीन रानी जो है बहुत हेल्दी है और उसका अंडे देने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे बक्से से हम एक छत्ता निकालते हैं 24 घंटे के लार्वे का। अब चलिए हमने ये क्वीन कप लगा दिए फ्रेम के अंदर, क्वीन कप सेट कर दिया। इसके बाद जो है ये प्लास्टिक वाला भी हमने जो कप है इनको भी हमने इसमें लगा दिया है और इसमें मोम की हमने कोटिंग कर दी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे बक्से के अंदर मधुमक्खी ने कुछ अपने आप जो क्वीन सेल बनाए हुए हैं तो उन क्वीन सेलों को उनमें से रॉयल जेली हम निकालते हैं और रॉयल जेली निकालने के बाद जो है हम रॉयल जेली एक स्टील के बर्तन में रॉयल जेली लेके और इसमें हमने जो है थोड़ा डिस्टिल वाटर मिला लिया है और डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद जो है प्रत्येक कप के अंदर हम ये रॉयल जेली जो है इसके अंदर हम डाल रहे हैं।
प्रत्येक के अंदर हम रॉयल जेली डाल रहे हैं। ये रॉयल जेली डाल दिए सब में प्रत्येक कप के अंदर, क्योंकि जो इसमें हमने 24 घंटे का लार्वा है, यदि हम बिना रॉयल जेली के डाल देंगे तो, क्योंकि उसको भोजन चाहिए तो उसको भोजन नहीं मिलेगा और वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए रॉयल जेली इसके अंदर डालना ज़रूरी है। ये इसमें रॉयल जेली डाल दिया है। इसके अंदर जो ये जो प्लास्टिक कप हैं, ये भी हमने इसके अंदर रॉयल जेली डाल दी हमने। ये हमारे तैयार हो गए। अब चलिए आगे हम दिखाते हैं कि इनमें हम मधुमक्खी के बक्से से जो हम ये फ्रेम निकाला है हमने, जो हेल्दी क्वीन ने इसके अंदर 24 घंटे का लार्वा डाला है, और उस लार्वे को हम ग्राफ्ट करेंगे इन कपों के अंदर। ये एक निडल होती है। देखिए इस मेथड में हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। डिस्टिल वाटर ही प्रयोग करें, हाथ हमारे साफ़ होने चाहिए, और जो भी हम इसके लिए यंत्र प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो ये हमारी एक निडल है, और इसके माध्यम से हम लार्वे को इसमें से निकाल रहे हैं। ये हमने लार्वा 24 घंटे का लार्वा लिया है और इस लार्वे को इससे निकाला है, और निकालने के बाद जो है ये हमने इसके अंदर ये डल गया। इसको हम इस तरीके से खड़ा कर लें और इसमें से निकालते रहें। इसमें ध्यान रखना होता है कि लार्वे को उसी स्टेज, लार्वा पलटना नहीं चाहिए, लार्वा उसी स्टेज में उठ के आए सीधा का सीधा, सीधा रहे और उसी स्टेज में लार्वा घूमना नहीं चाहिए, लार्वा उसी स्टेज में इसके अंदर डाल दिया जाए। अगर वो पलट जाएगा तो लार्वा ख़त्म हो जाएगा। ये हमने डाल दिया है उसकी इसी तरीके से जो है, जो हमारे ये प्लास्टिक वाले हैं, हम ये प्लास्टिक वालों में भी इसी तरीके सब में हमने ये लार्वा जो है प्रत्यारोपण हम कर दें। अब उसके बाद क्या करना है कि जैसे ये प्रत्यारोपण कर दिया है, ये हम दो दिन पहले एक तैयारी हमें करनी होती है कि दो दिन पहले हम जो हमारे अच्छे हेल्दी बक्से हैं उनको क्वीन लेस करना होता है। मतलब क्वीन लेस का मतलब होता है उसकी रानी को निकाल देते हैं, तो उसके अंदर रानी नहीं रहनी चाहिए। रानी निकलने के बाद ये भी चेक करना होता है कि उसके अंदर पहले से कोई क्वीन कोष नहीं बना होना चाहिए, रानी का कोष कोई पहले से नहीं बना होना चाहिए। अगर बना है तो उसको तोड़ दें, और उसके बाद ही उसमें अगर वो 10 फ्रेम की हमारी कॉलोनी है तो 10 फ्रेम में से एक फ्रेम निकाल के उसको 9 की करनी है, और उस 9 फ्रेम में हम ये जो बना हुआ है, ये चाह हम ये ले लें या बने हुए इसके मोम के कप ले लें या जो प्लास्टिक कप है इन्हें ले लें, और इनको ले जाके उस बक्से के अंदर जो है हमें डालना है। चलिए अब हम दिखाते हैं जो हमने लार्वा प्रत्यारोपण किया था कपों में, वो प्रत्यारोपण हो गया है। अब उसके बाद उसको क्या करना है, ये बक्सा है इसमें रानी रहित है, हमने दो दिन पहले इसकी रानी निकाल दी है, और इनको चाहत है कि हमें रानी मिले, तो ये चाहत हमें बक्से के अंदर पैदा करनी होती है। जब रानी नहीं होगी तो 24 घंटे बाद मधुमक्खियाँ जो हैं, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ, बेचैन हो जाती हैं कि हमारी रानी कहाँ चली गई। तो उसके लिए जो है ये हमें जो है, ये जो हमने प्रत्यारोपण किए हुए हैं, ये लार्वे का प्रत्यारोपण है, और इसके अंदर जो है 24 घंटे के लार्वा इसके अंदर हैं, और ये क्वीन रहित बक्सा है जो कि 9 फ्रेम इसके अंदर पड़े हुए हैं, और 10वां फ्रेम जो है हमारा क्वीन कपों में लार्वा प्रत्यारोपण किया हुआ है। इसको हम जो है हमने ये लगा दिया बीचम बीच, ये लगा दिया। लगाने के बाद जो है फिर हम इसको उसी तरीके से इसको पुनः हम ढक देते हैं। ढकने के बाद ये लगा दिया, उसके ऊपर हमने फिर यहाँ पे हमने टॉप कवर लगा दिया। अब उसके बाद जो है फिर हम क्या है, हम इसको 2-3 दिन बाद ये देखते हैं कि हमारे जो है इसमें जो कपों में प्रत्यारोपण किए थे लार्वे, उनमें कितनी सफलता मिली है। तो उनमें कुछ समय बाद जो है आप देखेंगे कि उनमें क्वीन रॉयल जेली पड़ी मिलेगी भरपूर मात्रा में, और जो क्वीन सेल हैं वो उनके उभार वो उभरे हुए मिलेंगे। जैसे आप मूंगफली होती है, मूंगफली के तरीके से जो है वो पूरा इस तरीके से इसके अंदर
वो लटके हुए आपको दिखाई देंगे। तो उसके बाद 8 दिन बाद वो कप जो है उनके अंदर क्वीन बनी हुई होगी और वो कप मुंह बंद कर लेते हैं। जो हमारा क्वीन कोर्स बना है तो उस क्वीन कोर्स जो कंप्लीट हो गए तो जब वो हमारे 14 दिन के हो जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 14 दिन बाद जो है हम बक्सों से अपनी जो हमारी ये एपियरी है, इस एपियरी से हम उसी तरीके से जो हमने सामान्य विधि में बताया था न्यूक्लियस बॉक्स में हमें फ्रेम निकालने हैं उसी तरीके से, और वो फ्रेम निकालने के बाद जो है हम 14 या 15 दिन में, क्योंकि रानी 16 दिन में बनती है तो उससे पहले पहले जो है हमें वो जो हमारे सेल बने हैं क्वीन के, रानी के सेल, उनको जो है अलग अलग निकाल दें, उनको अलग अलग निकाल के और इस तरीके से जो है ये जो न्यूक्लियस बक्से में हमने ये अलग अलग निकाले हैं इसमें जो है हम एक एक सेल इनमें लगा दें, एक सेल इसमें लगा दें, एक एक सेल लगा देंगे तो हमें 16 दिन के बाद जो है, मतलब 2 दिन बाद, क्योंकि 14 दिन का हमने लगाया है तो 2 दिन बाद 16 दिन हो जाएंगे, तो 2 दिन बाद इसके अंदर हमें जो है एक क्वीन मिल जाएगी। अब उस क्वीन को निकलने के बाद, क्वीन कप से जो क्वीन निकलने के बाद हमें उसको देखना होता है कि उसकी दो चीज़ पर ध्यान देना होता है, एक तो उसके पर जो है वो क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए और उसकी जो टांगें हैं वो भी क्षतिग्रस्त नहीं हो, वो हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि रानी को गर्भित होने के लिए हवा में उड़ना पड़ता है तो इसलिए वो अच्छी तरीके से उड़ पाए। यदि इस तरीके की किसी वजह से हमको जो है क्षतिग्रस्त रानी मिलती है तो हमें दोबारा से रानी बनानी पड़ेगी, और इस तरीके से जब आपकी रानी ये बन जाती हैं तो इस रानी को हम बार बार, हमने सामान्य विधि में भी ये बताया है कि रानी को नर से गर्भित कराने के लिए हमें अपनी किसी दूसरी एपेरी के नरों से गर्भित करानी है, क्योंकि उससे जो है हमारा जो है जो रानी है वो अच्छी क्वालिटी की किस्म की रानी बनेगी और अधिक अंडे देगी। अब उसी के बाद जो है ये मैंने आपको दो विधि बताई, प्रत्यारोपण विधि, तीसरी विधि मैं आपको बताने जाऊंगा। देखिए ये प्रत्यारोपण की तीसरी विधि है, इस विधि में ये एक क्वीन बनाने का, ये एक प्लास्टिक का फ्रेम है, इसके अंदर ये उसी तरीके से है जैसे रानी को इसके अंदर बंद करा जाता है और इसमें जो है रानी अंडे डालती है, और इसके पीछे का भाग मैं दिखाऊंगा, पीछे का भाग देखिए, ये पीछे का भाग है और इसके अंदर इस तरीके से ये कप लगे हुए हैं, विधि वही है प्रत्यारोपण में जैसे कप थे, तो इसमें हमको प्रत्यारोपण करना है, इसमें प्रत्यारोपण नहीं करना, इसमें ये इस तरीके से जो है ये कप हैं और ये कप जो है इसमें फिट हो जाते हैं और ये बेल्ट है, बेल्ट से इसको हम खींच देते हैं और इसके अंदर वो हमको देखना होगा, जिससे भी हम क्वीन बना रहे हैं वो क्वीन हेल्दी होनी चाहिए, हेल्दी क्वीन होगी तो हेल्दी ही संतान को जन्म देगी, तो इसके लिए हम इसके अंदर एक क्वीन, इसके अंदर रानी बंद कर देते हैं और रानी बंद करने के बाद जो है फिर इसको इसी तरीके से रानी रहित बक्से में हम इसको, ये रानी रहित बक्सा है, इसमें से एक फ्रेम हम कम करेंगे और बीचम बीच ये हमने इसको इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद 2 दिन बाद हम इसमें रानी अंडे देगी और अंडे जब दे देगी तो 2 दिन बाद हम जाके देखेंगे इसको, फिर निकालेंगे और निकालने के बाद रानी को फ्री कर देंगे इससे निकाल के। इसमें रानी बाहर नहीं निकलेगी लेकिन जो हमारी कमेरी मक्खियां हैं, सिरमिक मक्खियां हैं, वो इसके अंदर आना जाना करेंगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसको हमने देखा और इसमें हमने यहाँ देखा कि इसमें देखते हैं कि ताज़ा अंडा रानी ने छोड़ा या नहीं छोड़ा। अब देखिए इसमें ताज़ा अंडा भर दिया है,
पूरा ताज़ा अंडा पड़ा हुआ है। अब इसी विधि से जो है ये हम अधिक क्वीन भी बना सकते, रानी भी बना सकते हैं, और इस विधि से हम रॉयल जेली भी ले सकते हैं। रॉयल जेली लेने की भी यही विधि है। तो रॉयल जेली में क्या होता है कि जो 8 दिन में उसका जो कोष है उसको मधुमक्खी रानी कोष को बंद करती है, तो उसमें बंद करने से पहले ही उसके लार्वे को निकाल देते हैं और उसके अंदर जो है कप में रॉयल जेली भरी हुई होती है, तो वो उस रॉयल जेली को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये रॉयल जेली के लिए भी किट काम आता है। अब इसमें क्या होगा कि हम पीछे देखेंगे और पीछे जितने भी इसके अंदर ये आप देखिए 1 2 इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के इसके अंदर लगभग 20 इस तरीके की पड़ी हुई हैं, और इसमें हमने देखा तो बहुत अच्छा इसके अंदर ताज़ा अंडा आ गया है इसके अंदर। और ताज़ा अंडा जब आ गया है तो इसी तरीके से हमने जो ये कप तैयार करे थे ऐसे कप तैयार ना करके हम इसको यहाँ लगा देंगे, इस पट्टी को यहाँ फिट कर देंगे, और रानी रहित बक्से में इसको लगा देंगे, तो इसमें से क्वीन कोष बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो है हम प्रत्यारोपण ना करके रानी से ही अंडा डलवा रहे हैं। तो ये विधि जो है हमारी जो है बहुत सरल है। अभी जो रानी कोष बनाने की जो अभी हमने आपको एक किट दिखाया था, इसी किट के थोड़ा सा उसमें एक परिवर्तन करा गया है जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी कुछ नहीं है, उसमें तो आपने देखा जो पहले वाले में तो एक उसको रानी को बंद किया जाता था, लेकिन इसमें रानी को बंद नहीं करना। ये देखिए ये उसी तरीके का फ्रेम है, ये मोम की सीट लगाई हुई है, इस मोम की सीट को मधुमक्खी बना लेगी, छत्ता बना लेगी पूरा। और इसके पीछे देखिए उसमें जो डंडी थे इसमें कप अलग अलग कप हो जाते हैं, ये कप इसके अंदर लगे हुए हैं, ये अलग अलग कप हैं। और इन कपों को इसके पूरे में लगाने के बाद ना ये पूरा कप से भर देते हैं हम इसको, और उसी तरीके से जो है रानी रहित बक्से के अंदर हम इसको भी इसमें डाल देते हैं, रानी रहित बक्से में डाल देते हैं ऐसे। तो क्या होगा कि रानी जो अपने अंडे डालती है, जो उसकी ओरिजिनल मोम की सीट बनी हुई होती है उसमें जल्दी अंडे डालती है, तो उसी तरीके से इस विधि में क्या है कि वो जैसे जैसे इसमें यहाँ अंडे डाल रही है तो यहाँ इसमें अंडे डाले और अंडे डालते डालते इसमें भी सब में अंडे भर देती है, और जैसे ही अंडे भर देगी उसके बाद वो अंडे हम यहाँ से देख लेते हैं कप के अंदर आ जाते हैं, और कप में जब वो अंडे आ जाते हैं तो इन कपों को निकाल निकाल के हमें जो प्रत्यारोपण विधि में हमने जो निडिल के माध्यम से लार्वे को निकालना था वो निकालने में जो हमें क्या होता है कि वो बड़ी सावधानी का काम रहता है, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक जो कम जानकार मधुमक्खी पालक है वो भी हम अच्छी रानी बना सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, इसके अंदर देखिए सब में पड़े हुए हैं, ताज़ा अंडा इसके अंदर पड़ा हुआ है, और इस विधि में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ये जो पड़े हुए हैं आप इसकी जगह जो है हमने इनको यहाँ पे हम लगा देंगे, ये लगा दिए, इसके अंदर सारे के अंदर ताज़ा अंडे पड़े हुए हैं रानी ने जो अपनी मर्जी से डाले, और उसके बाद जो है रानी रहित बक्से के अंदर इसको लगा देते हैं और इसके अंदर सारे रानी कोष बन जाते हैं, और इस तरीके से हमें अच्छी किस्म की रानी हमको मिल जाती है। और उसी तरीके से जब क्वीन कोष जो है जब 16 दिन में पूरे तैयार हो जाते हैं तो 14 दिन में जो है हम उनको निकाल के और न्यूक्लियस में निकाले हुए फ्रेम जो सामान्य विधि में हमने बताए हैं उसी तरीके से उन्हें जो है 14 दिन के में उनको 14 दिन में या 15 दिन में भी हम डाल सकते हैं, 14-15 दिन के अंदर उनको एक एक सेल रानी का एक एक सेल जो है उसमें दे देते हैं, और 16 दिन में हमें हर बक्से में रानी मिल जाती है। और रानी को गर्भित होने का जो तरीका है वो जो हमने सामान्य विधि में बताया है वो उसी तरीके का है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये बस कप बनाने के अलग अलग तरीके हैं। और देखिए आज हमने आपको ये रानी बनाने की हमने आपको 3 विधि बताई हैं, नंबर 1 सामान्य विधि, नंबर 2 प्रत्यारोपण विधि,
और नंबर तीन ये जो रानी एक का फ्रेम में केज बना हुआ है, ये केज विधि। तो ये विधि अभी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ये भी ये नई विधि आई है, लेटेस्ट है। और लेकिन इससे हम इसी विधि से हम अधिक से अधिक क्वीन सेल बना के और हम रॉयल जेली भी प्राप्त कर सकते हैं। रॉयल जेली लेने की विधि भी यही है। और रॉयल जेली लेने का जो सबसे अच्छा हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में का जो समय है वो यानी ह्यूमिडिटी, जब वातावरण में नमी ज़्यादा हो तो कम से कम जो है आपका 80 से 90 प्रतिशत जो है उसके अंदर नमी की मात्रा होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है 30-35 डिग्री हो, तो उस टेम्परेचर पे हमको रॉयल जेली अच्छी मिलती है। इसके लिए रॉयल जेली में या तो अच्छा फ्लोरा हो, नहीं तो फिर आर्टिफिशियल कृत्रिम भोजन द्वारा जो है हम उनको जो है अच्छी रॉयल जेली प्राप्त कर सकते हैं। हमें कृत्रिम भोजन भरपूर मात्रा में मधुमक्खियों को खिलाना होगा। धन्यवाद।